आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने चार्जर का वर्ड कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे चार्जर नॉर्मली क्या कहता है, 5 वोल्ट 3 एम्पीयर, 9 वोल्ट 2.5 एम्पीयर, 1.5 वोल्ट। ये हम मैंने किसका चार्जर इस्तेमाल किया, ये मैंने रियलमी नोट 9 प्रो का चार्जर है, उसमें रेटिंग्स दी गई थी। हर चार्जर में इसी प्रकार की रेटिंग्स दी रहती हैं, इसी प्रकार की रेटिंग्स दी रहती हैं, और उसमें कोई भी अलग से वाट नहीं लिखा रहता कि कितने वाट का चार्जर है। तो इसको कैलकुलेट करने का सबसे इजी तरीका है, आप जो भी एम्प वोल्ट दिया गया है उसको वोल्ट के लिखिए, जितना भी ए लिखा हुआ है उसको लिखिए, नहीं भी लिखा हो उतना लिखे। 5 × 3 मल्टीप्लाई किया मैंने, ये चार्जर मेरा आ गया 15 वॉट। इसको मेंशन किया गया था कि ये 18 वॉट का है, बॉक्स में लिखा है, पर ये नॉर्मली 15 वॉट का ही है, क्योंकि जिसमें जितना एम्पीयर दिया गया, जितना वोल्टेज दिया गया, उसके हिसाब से 18 वॉट का चार्जर नहीं बन रहा, 15 वॉट का चार्जर ही बन रहा है। उसमें 9 वोल्ट 2 एम्पीयर लिखा है, तो अगर 9 वोल्ट इस्तेमाल करेगा तो वो 2 एम्पीयर का चार्जर बन जाएगा, मतलब 9 × 18 मतलब 18 वोल्ट का चार्जर बन जाएगा। और 5 वोल्ट इस्तेमाल करेगा तो 15 वोल्ट का चार्जर बनेगा, मतलब ये मैक्सिमम 18 वोल्ट तक इस्तेमाल कर सकता है और मिनिमम 15 वोल्ट इस्तेमाल करेगा।